हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.1, 2, 3 एंड 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर आर ई ए डी विद आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हमें पता है कि कोई भी जब स्क्वायर हम लेते हैं तो उसमें ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है और सारे एंगल इक्वल होते हैं और ईच एंगल का मेजर कितना होता है 90 डिग्री। ओके, ये प्रॉपर्टी है, वो हम यूज करके यहां पे लगाते हैं। एक स्क्वायर लिया हमने, आर ई ए डी, एंड मेजर ऑफ ईच साइड इज 5.1 सेंटीमीटर, तो सभी का सेम होगा 5.1 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 90 डिग्री। सो नाउ वी विल ड्रॉ एंगल। स्क्वायर बनाने के लिए बेस लेंगे हम आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। दिस इज 5.1 सेंटीमीटर आर ई। नाउ यू हैव टू मेक एन आर्क Now we will draw an angle of 90 degree at point E and R. 90 degree आप किसी से भी बना सकते हैं, चाहे आप कंपस से बनाइए चाहे आप प्रोटेक्टर से बनाइए। बेस लाइन हमने कोइंसाइड की विद द साइड ऑफ स्क्वायर, उसके बाद 90 स्टार्ट करना है। तो देखिए कौन से वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये R से E, मीन्स ये जो राइट साइड में है, तो जो लाइन को इनसाइड करती है वहीं से हम जीरो स्टार्ट करते हैं। हमने जीरो स्टार्ट किया, जीरो, 90 कहां पे है, ये 90 है इधर, सेम हम इधर करेंगे। अब किधर वाली लाइन है, अब लेफ्ट साइड में लाइन को इनसाइड कर रही है, सो हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, यहां से जीरो, ये 90 हो गया। अब इसको ज्वाइन करेंगे, नाउ वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम आर एंड ई। 5.1 सेंटीमीटर आर्क लेनी है, सेंटीमीटर आर से वर्टेक्स से लगाएंगे हम। देन ई से, इसमें आर्क लगाना मुश्किल होता है क्योंकि कंपास की जो टिप है वो स्लिप हो जाती है। ये आपके पास 5.1 सेंटीमीटर आ गया, उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे और कंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही करनी है। ओके, ये आपके पास स्क्वायर आ गया आर ई ए डी, ईच साइड इसमें 5.1 सेंटीमीटर है।
and each angle is of 90 degree. Now question number 2. A rhombus whose diagonals are 5.2 cm and 6.4 cm long. आपको एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसमें डायगोनल्स 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर है. अब ये आपको पता है कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो हम एक बेस लेके और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे. देखिए कैसे, इसमें नाम दिया नहीं है तो पहले हम ये बेस, ये डायगोनल लिया मान लो आपने 5.2 सेंटीमीटर. अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और इसको फिर ज्वाइन करेंगे. तो यहां मैंने लिया ये, ये पॉइंट मैंने लिए. अब इसमें आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है और ये मान लो ये पॉइंट यहां पे एल है, तो यहां पे आप निकालेंगे एन एल विल बी इक्वल टू एन पी डिवाइड बाय 2. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, तो हमने इसका बाइसेक्ट करने वाला देख लिया पॉइंट एल, 6.4 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. अब इसको वो देखते हैं, बेस आपको लेना 5.2 सेंटीमीटर. देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे. ये पॉइंट आपके पास ओ है, ये इधर एम है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मोर देन हाफ ओपन करते हैं हम. ये मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क और एक साइड से अब एक एम से सेम रखना है. ओके, आर्क लगाने में बड़ी मेहनत लग रही है इसमें. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, नाउ वी विल जॉइन दिस. ये पॉइंट आपके पास क्या आ गए, एन एंड पी. नाउ हाफ ऑफ 6.4 दैट इज 3.2 हमें लेना है यहां कंपास से, 3.2 सेंटीमीटर. 3.2 सेंटीमीटर लेके ये पॉइंट जो एल है यहां से एक आर्क यहां पे लगाई, एक डाउन साइड, ये वाली आर्क आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन मुझे दिख रही है. अब ज्वाइन करते हैं इसको. आप लोग कंपास को ऐसे मत करना नहीं तो आंख में लग जाएगा.
इस स्केल से फैल रहा है कलर। कोई नहीं, आपको समझ आ गया होगा। ये ऐसे आप ये रोम्बस ड्रॉ करेंगे, इसमें सारा मेजरमेंट लिखेंगे 5.2 सेंटीमीटर, और ये जो एनपी है ये 6.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी लीजिए इसका नाम। ये मैंने लिया। अब इसमें देखिए साइड है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड क्या होती है, ये साइड और ये साइड, ये या ये, ये या ये एडजेसेंट, जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है। ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। नाउ यू कैन ड्रॉ इट इजीली। फर्स्ट वी विल टेक आर ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मार्कर से लेती हूँ आपकी बार। फाइव सेंटीमीटर लेना है, देन एंगल ड्रॉ करोगे अब 90 का। मैं कंपास से लेती हूँ, कंपास से आप लोग कंपास से करोगे, मैं प्रोटेक्टर से करती हूँ। 90 डिग्री दोनों साइड में 90 डिग्री है। नाउ इसको ज्वाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए थोड़ा सा गलत ज्वाइन हो गया। 4 सेंटीमीटर लेना है, 4 सेंटीमीटर आर्क लगाओगे। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास सारे पॉइंट आ गए। ओके, ये आप लोगों को स्क्वायर दिख रहा होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि 4 और 5 सेंटीमीटर जब आप बोर्ड पे या नोटबुक में देखेंगे तो बहुत कम दिखता है। ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर का गैप है, इसलिए ये सेम दिख रहा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, इज इट यूनिक। आपको बताना है क्या ये यूनिक है। अब वो हम चेक करते हैं कि ये यूनिक है या नहीं है। हमें ये पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए जब भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो 4 साइड्स तो ठीक है, 4 साइड हो गई, लेकिन इसमें डायगनल तो गिवन ही नहीं है। डायगनल गिवन नहीं है ना, पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, इसमें कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए, तभी इसने बोला कि ये यूनिक है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर ओके लिया हमने। नाउ वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर आर्क लगाओगे। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको आर्क तो लगा दोगे 4.2 की, लेकिन ज्वाइन कहां पे करेंगे आप।
आपको ये नहीं पता ना कि ज्वाइन कहाँ करोगे अब। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ तो पता हो, आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे या आप इसको इधर ज्वाइन करोगे या इसको आप यहाँ ज्वाइन करोगे, कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए ये यूनिक है। अगर मान लो आपने कर दिया, मान लो आप कहते हो कि नहीं हमने ऐसे कर दिया, ये आपने ऐसे किया, उसके बाद देखिए अब 4.2 ये कितना है, 4.2, और ये गैप कितना है, 5.5 है, तो 5.5 लेती हूं मैं। ये मैंने इसको यहां से ऐसे कट किया और फिर इसको ज्वाइन किया, लेकिन इसमें मैं एंगल तो आपको पता ही नहीं चला ना। अब अगर आप थोड़ा सा इधर करोगे तो इधर की साइड जाएगी, ओके। करने के बाद यहां पे आप नोट करेंगे एज वन डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट एज्यूम द प्रॉपर शेप ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। ये आपको नोट करना है इसमें। थैंक यू।